गाड़ी पूरी मेरी तरफ कवर्ड है, ये मैं जगह तो दो दोस्त कि मैं पार कर सकूं। बट आपको पता है मेरे पास क्या है। लेट्स डू इट। अ विल स्पिन, यू सॉ इट, इट वाज अ विल स्पिन, पूरा ड्रैग हुआ। ओके गाइस, मैंने टैंक फुल करवा लिया। मैं ट्रिप वन को रीसेट कर देता हूँ। ये हो गया ट्रिप वन रीसेट। अब चलते हैं। वैसे आज की राइड आपको बता दूँ, पटना टू गोरखपुर की है। 250 किलोमीटर की राइड है। यूजुअली 3 घंटे में मैं 3.5 घंटे में कवर कर लेता था, अगर मैं 5-6 बजे निकलता था। आज तो लेट हो गया। जय माता दी। आज देखते हैं आज कितने बजे निकलेगा, कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे एक्सपेक्टेशंस है 10:30 बजे के आसपास तक पहुंचने का। बाकी लेट्स सी, इस बार तो शायद व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ मैं, तो अब मुझे पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा। इसी धुन में जय माता दी बोलते हुए चलाते जाइए। सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फ़ोन गिरने का या फिर थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि फ़ोन गिर जाएगा या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। वैसे मैंने बाइक में हल्की सी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, वो मैं आपको रुकूंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। मैं एक जगह आपको गोपालगंज क्रॉस करके वो जो मेन हाईवे लेते हैं तो वहाँ पे मिलूँगा और रुकूँगा। सॉरी, इसको ओवरटेक करना बहुत ज़रूरी है वरना काफ़ी तगड़ा जाम में फंस जाऊँगा। यूजुअली ये जाम मिलता नहीं था मुझे, मैं 10 या मुश्किल 15 मिनट में वो पुल पे होता था, बट आज की शुरुआत काफ़ी है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है जो उस पुल की तरफ ले जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस। ये मैंने सिर्फ एक बार शशि और मैं हम शायद किधर लावा लोले गाँव जा रहे थे, उधर के लिए ये वाला रूट लिया था एक बार मैं। अदरवाइज हम यूजुअली ऊपर से ही आते हैं, अगर कौन सा रूट है देख सकते हैं व्यू, ये गंगा घाट। लोग यूजुअली यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं। ये रिसेंटली बना है, ये 1.5 साल पहले ही बना है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि ये बीच टाइप का एरिया बनेगा जहाँ पे लोग घूमने आएंगे। मैं उस पुल की बात कर रहा हूँ, मैं उस पुल पे जाना का हमारा टारगेट बना है। आई डोंट नो ये क्या, लेफ्ट साइड में रूट, ये मिला हमें अच्छा सा हाइक। यही तो बात है KTM की, आपको इतनी स्टेबल बाइक है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी दोगी, आपको बहुत कूल माइंडेडली चलाना है क्योंकि इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि थोड़ी सी भी इसके पावर का मिसयूज़ आप नहीं करना चाहेंगे वरना आपकी जान के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। ये देखिए, ये व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगा है। रुकिए, मैं उसको पहले पुल इन कर लूँ। अच्छा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं, बट मुझे काफ़ी तारीफ करनी होगी इस माउंट सेटअप की। ये इतना स्ट्रांग है, मतलब मेरी बॉडी ऐसे वेव की तरह झटके खा रही है बिकॉज ऑफ दिस विंड। देखिए, मेरा हाथ ऐसे की ओर पीछे की तरफ आ रहा है, बट ये सेटअप जो है ये बहुत ईजिली इसको ले रहा है। ये धूल, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। आपको बता दूँ, मैंने गूगल मैप्स बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेन के नीचे वाले लोहे वाले टायर्स और बेसिकली लोहे वाले चीज़ों का काम होता है। गाइस, तो ये चौक है जहाँ पे लेफ्ट तरफ सिवान जाता है सीधा मकेर, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है।
टू गो टूवर्ड्स गोपाल गंज। छपड़ा सिवान और पीछे परसा गांव था, परसा से हमने लेफ्ट लिया गोपालगंज के लिए, जो छपड़ा की तरफ ये रोड है जाता है। काफ़ी खुला रोड है, यहाँ पे हम क्रूज करते हैं गाड़ी को। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था 80 की क्रूजिंग स्पीड होगी। मुझे पता नहीं क्यों रास्ते में थोड़ी गड़बड़ सी लगती है, बट मैं अपने इनर वाले इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तो दोस्तों, ये है वो मुजफ्फरपुर वाला चौक। और यहाँ से हमें सर, इसमें आप मेरी आवाज़ काफ़ी तेज में थे, वो सोनेट वाले भैया जैसे एम्बुलेंस वाले जॉब करते होंगे पहले, वो थोड़े अपने लेन में भी चलाओ दोस्त। ओके, शायद ऐसा होगा कि जंगल वाला रास्ता क्रॉस करके फिर वो आता होगा, तो यही सोच सकता हूँ मैं अभी तक फिलहाल। आप देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी अद्भुत है। हम नौ और ये जगह मैंने सुना था, मेरा फोर्थ गियर पे 37 विच इज़ नॉट गुड। यहाँ लग रही है बारिश हो रही है, बट फिलहाल तो नहीं। कई मादर चोद लोग भी होते हैं जो रोड पर ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक सडन राइट है, मैं गाइस वही दिखाना चाह रहा था कि वो रास्ता नहीं आया इस मार। वैशाली दरिंदे भी दिख रहे हैं। और ये देखिए, लेफ्ट चले जाएगा तो आप छपड़ा की तरफ चले जाइएगा अमनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, और ये राइट लेना है हमें, और यही मिस नहीं होना चाहिए। इस बस ने तो पूरा रोड कवर कर लिया है। बट आपको पता है मेरे पास क्या है, लेट्स डू इट। अ विल स्पिन, यू सॉ इट, इट वाज अ विल स्पिन, पूरा ड्रैग हुआ और मैं पूरे मस्त ऐसे हीरो की एंट्री होती थी वैसे मैंने कट किया एक विल स्पिन के साथ। मुझे गियर भी नहीं शॉर्ट करना था यार, ये है पावर केटीएम की दोस्तों। ये विल स्पिन मुझे काफी अच्छा संकेत दे रहे हैं कि आपके चक्के में काफी ज्यादा हवा है, और आप कॉर्नरिंग के वक्त कृपया इस बात का ध्यान रखें, वरना विल स्पिन के साथ साथ आपके कट्टे स्पिन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग सकेगा। और काफ़ी ध्यान से चलाना होगा पानी वाले रास्ते पे। मैंने बाइक में जो हल्की मॉडिफिकेशन कराई है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। पहले इस नकली पहाड़ को कवर कर लेते हैं एक हल्के हल्के जो एस शेप में कर्व्स है, इसको थोड़ा सा पार करके। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद काफ़ी बोरिंग रास्ता है, एक ऐसी रास्ता है और ये काफ़ी और सक्रिय हो जाता है सिर्फ वन साइडेड रोड, और वो भी सिर्फ एक प्लास्टर टाइप का। और ये मैं गांव से जा रहा हूँ, यूजुअली जो रोड है वो बाहर वाले साइड से, वो उस वाले साइड से आगे होके छपड़ा क्रॉस करके और वो ऐसे जाता पटना, बट मैं अंदर अंदर एक गाँव से जा रहा हूँ तो ये मुझे काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है, विच इज़ वेरी नाइस। सबसे रोड पे जो ज़्यादा कानून मानते हैं मुझे तो लगता है वो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट से ज़्यादा। एक हॉर्न पे साइड हो जाते हैं, फक
मैं बता रहा था गाइस, जैसे यूजुअली अगर आप, मैं आपको उस चौक पे दिखाऊंगा, ये एक्चुअल रोड जो अगर आप मैप के बिना और कार का जो रूट अगर आप लेंगे तो वो आपको कोई दूसरा रास्ता से लेके जाएगा। मुझे हल्की हल्की बूंदों का क्यों एहसास हो रहा है, क्या इसको मैं फॉग समझूं या इसको मैं बारिश समझूं? ओके, दिस वाज वेरी टफ। ये इतना हेवी था कि शायद मेरे अलॉयस तक बेंड हो सकते थे। और ये बारिश, फक ये बारिश। बारिश में मैं बिल्कुल भी राइड नहीं करना चाहता क्योंकि ठंड काफी बोर वाला रोड है। इतना बोरियत है कि एक बार जब मैं पहली बार आया था तो मैंने रोक के पूछा था, मुझे गूगल मैप पे दिख भी रहा था रोड कि हाँ अभी थोड़ा सा आगे है जो वो मेन हाईवे पे मिलेगा, बट उसके बावजूद मैं रोक के, सुबह का टाइम था 6:30, 6:30 बजे, मैंने रोक के लोगों से पूछा कि ये कितना दूर है और ये रास्ता सही है कि नहीं, मैं बस तसल्ली के लिए। तो ये इतना बोर वाला और इतना गंदा रास्ता है ये मैं बात कर रहा था। ओके ट्रैक्टर वाले भैया, थोड़ा सा मुझे जगह दे दो, मैं ज़्यादा नहीं जगह मांगूंगा। पहले रोड हम ये ऑफ रोड वाला पैस लेते थे, बट अभी भी शायद हमें वही लेना होगा क्योंकि पुल अभी बनी नहीं है जैसे आप देख सकते हैं। मुझे लगा मैं सीधे चला दूँ और मैं सीधे गड्ढे में होता। तो अगर दोस्तों अगर आप सीधे ऐसे आएंगे तो आपको ये वाला रूट लेके जाएंगे सीधा पटना की तरफ, बट ये लोग ये रूट क्यों ले रहे हैं, मेरे को सीधा लेना है शायद, हाँ शायद नहीं, मैं कन्फर्म हूँ। और ये गोपालगंज और ये सीधा रूट लेके उधर जाते हैं लोग, गोपालगंज और 50 किलोमीटर गोरखपुर, 180 किलोमीटर और, विच इज टफ। ये हम पहुंच गए गाइस गोपालगंज और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आई एम नॉट श्योर मैं कैसे ही पहुंचूंगा पूरा भीगा भीगा। हमें रुक जाना चाहिए क्या? ये है वो टर्न और यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे तो ये पहुँच जाता है सीधा वो रोड। मुझे नहीं लगता रुकने का कोई वो है, पैंट गीला होगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर का जैकेट स्टिल मैनेजेबल, ऊपर वाला पानी रोक लेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यस प्रिटी मच इट, यही हाईवे है और ये हाईवे सीधा गोरखपुर लेके जाएगा कुशीनगर होते हुए। तो गाइज गोपालगंज से हम लोग सीधा आ गए, ये कुशीनगर है और बस 30 से 40 किलोमीटर और है गोरखपुर। ये काफ़ी जंगल सा फील देता है, हल्द्वानी से जब आप बढ़ेंगे दिल्ली के साइड तो जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा और चौड़ा है वो रोड बट लगभग वो रास्ता ऐसे ही है, आपको फील लगभग वो ऐसे ही देंगे। यहाँ पे अभी तो बारिश हो रही है बट यूजुअली आपको बंदर भी दिख जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी आवागमन चल रही है गाड़ियों की, टर्मिनस, अच्छा ये शायद एयरपोर्ट का भी, अच्छा हाँ गाइस मैं एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूँ, गोरखपुर में जो एयरपोर्ट है
ये कोई प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है, उनका कोई स्पेशल एयरपोर्ट नहीं है, उनका बस एक टर्मिनस है जो यहाँ की एयरफोर्स उनको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ का जो एयरफोर्स कैंप है जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे ही यहाँ इंडिगो, स्पाइस जेट और ये कमर्शियल एयरलाइंस जो है वो उतरती हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें सोचे तो, कि भारत सरकार उनको अलाउ करती है। यहाँ पे ट्रेन काफ़ी आते जाते हैं, जैसे आप सुन सकते हैं हमारे जस्ट ऊपर एक ट्रेन है, थोड़ा इसको पास करते हैं, हमारे ऊपर एक ट्रेन जा रही है गाइस, और वहाँ जहाँ वो बैरिकेड लगा हुआ था उसको हमने पार कर दिया है थ्रू दिस अंडरग्राउंड, विच इज़ वेरी नाइस। अभी लेफ्ट साइड में गाइस वो आ गया है एम्स, तो गोरखपुर का एम्स ये लेफ्ट साइड में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा और बढ़िया सा वो बना है। फिर थोड़ा लंच करके हम वापस पटना की तरफ वापस चलेंगे। एक दिन में 260 किलोमीटर वन साइड, मतलब 520 दोनों साइड का हिच विदाउट ब्रेक, ये वन गो में 260 किलोमीटर चलाना आप लोगों में बहुत सारे राइडर्स कर पाते होंगे, बट मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है। ये है रेडिसन होटल, आप देख सकते हैं ऊपर, और उसी के साइड में है ये जो ये है ओरायन मॉल। होप करता हूँ गाइस आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी दें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखें, खूब सारा खाएं, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्ताला विस्ताला मुर्गे दे साड़ी तो अडीन।